हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड गार्लिक की बहुत ही टेस्टी सी लाइट स्नैक की रेसिपी। जी हाँ, ब्रेड गार्लिक, जिसे आप गार्लिक ब्रेड के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं ब्रेड गार्लिक के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड गार्लिक। ब्रेड गार्लिक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि एक लाइट स्नैक है। आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, सुबह शाम नाश्ते के टाइम पर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसके सामान देख लेते हैं एक बार, इसके लिए हमें किन सामानों की ज़रूरत है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमें चाहिए ब्रेड, 4 स्लाइस ब्रेड की है, वाइट ब्रेड है। आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। इसके साथ चीज़, मोज़रेला चीज़, बटर, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, लहसुन यानी कि गार्लिक बारीक चॉप किया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड गार्लिक की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले गैस ऑन करके इस पर हम रख देते हैं पैन, और पैन को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बटर। तो यहाँ पर मैं बटर का जो पेपर है इतने हटा देती हूँ और पैन को गर्म होने देते हैं। तो पैन गरम हो चुका है, अब बटर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। और बटर को इतने मेल्ट होता है उसके साथ ही, क्योंकि हमें बटर को जलाना नहीं है, साइड में हमने जो लहसुन है बारीक चॉप कर रखा है, इस लहसुन को इसमें ऐड कर लेंगे और दोनों को साथ में हम पकाते रहेंगे, जिससे कि बटर भी मेल्ट हो जाएगा और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई इसलिए करना होता है कि लहसुन की कच्ची स्मेल जो होती है वो चली जाए और एक अच्छी सी खुशबू जो है गार्लिक की वो आ जाए। तो बटर को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो बटर जो है वो जलने लगता है। इसलिए हम टाइम की बचत करते हुए दोनों चीज़ को एक साथ पका लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बटर अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है और जो गार्लिक है वो अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। तो अब यहाँ पर 1-2 सेकेंड ही बस हमें फ्राई करना है गार्लिक को बटर के साथ। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और यहाँ पर जो गार्लिक है इसे एक बाउल के अंदर हम निकाल लेते हैं, बटर और गार्लिक को। तो जो गार्लिक है वो हम बाउल में निकाल चुके हैं, बटर और गार्लिक। और जो गैस ऑन करके वापस से हमने जो पैन गार्लिक वाला था वो ही रख दिया है, यानी कि बटर और गार्लिक का फ्लेवर इसके अंदर ऑलरेडी है। तो हमने सोचा अलग से तवे को करने की ज़रूरत क्या है, इसी में हम ये ब्रेड गार्लिक ब्रेड बना लेते हैं। गैस की फ्लेम आप कर्म कर लीजिए और यहाँ पर जो ब्रेड है उसको इस तरीके से एक साइड से हमें सेक लेना है अच्छे से। तो ब्रेड जो है वो एक साइड से सिक चुकी है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी की ब्रेड जो हैं उनके भी हम इस बटर में लगा के एक तरफ से सेक लेते हैं अच्छे से। हमें ब्रेड को एक ही तरफ से सेकनी है। ये ब्रेड भी सिक चुकी है, इसी तरह सभी ब्रेड को एक तरफ से ही हम सेक लेते हैं। सभी ब्रेड जो हैं एक तरफ से अच्छे से सिक के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पर इसकी जगह तवे को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं तवा रख देती हूँ अच्छे से गर्म होने के लिए। तो ब्रेड सिक्के बिल्कुल तैयार हैं, एक तरफ से कच्ची और एक तरफ से सिक गई हैं अच्छे से। अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहले चारों ब्रेड के ऊपर जो ये हमने गार्लिक और बटर को किया है तैयार, इसे इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से।
ये जो बटर है ये हमने अच्छे से चारों ब्रेड के ऊपर लगा चुके हैं, और अब इसके बाद बारी है चीज़ की। तो यहाँ पर अब हम डालने वाले हैं चीज़। तो ये चीज़ अच्छे से ब्रेड के ऊपर डाल दी है। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती जो है वो भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि धनिया से ये टेस्टी के साथ साथ ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो लीजिए धनिया पत्ती भी डाल चुके हैं। जो चिली फ्लेक्स है वो यहाँ पर हम अभी ऐड नहीं करते, उसे सबसे एंड में ऐड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आप चाहें तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं और एंड में भी। तो चलिए एक बार हम आपके लिए यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। तो लीजिए ब्रेड जो है वो तैयार है सिकने के लिए। तो अब चलते हैं तवे की तरफ, जो हम ऑलरेडी गैस पे गरम कर चुके हैं। तो तवा जो है गरम हो चुका है अच्छे से। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे पकाना है, चीज़ को मेल्ट करना है। तो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा गार्लिक वाला ही ये बटर बचा हुआ है उसे ही तवे पर अच्छे से लगा लेती हूँ। गार्लिक नहीं, सिर्फ बटर बटर ही मैं इसमें लगाने वाली हूँ। और अब इसके ऊपर हम एक एक करके गार्लिक ब्रेड के चारों पीस इस तरीके से रख देते हैं। और हमें रखना कुछ इस तरीके से है कि हम इन चारों को कवर कर सकें, यानी कि किसी चीज़ से हमें ढकना है। और गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि नीचे से नहीं जलना चाहिए ब्रेड और ऊपर से चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए, जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं होती। लेकिन ध्यान रखिए नीचे से नहीं जलना चाहिए। तो आप शुरू में 1 से 2 मिनट कवर करके देखिए चीज़ मेल्ट हुई या नहीं। अगर हो गई तो आप 2 मिनट में ही हटा दीजिए, अदरवाइज नहीं तो आप 1-2 मिनट और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे कवर करके पका लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम हो चुका है तो चीज़ मेल्ट भी हो चुकी है। जी हाँ, यानी कि 2 मिनट इनफ है चीज़ को मेल्ट होने के लिए। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और गार्लिक ब्रेड यानी कि ब्रेड गार्लिक तैयार है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बन के तैयार है गार्लिक ब्रेड की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी सी रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजी है। वाकई में इससे आसान रेसिपी नहीं हो सकती और इससे टेस्टी, क्योंकि बच्चों को आजकल चीज़ से रिलेटेड कोई भी रेसिपी हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे ब्रेड पिज़्ज़ा हो, कोई भी चीज़ वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए ये रेसिपी इस संडे आप ज़रूर बनाइए अपने बच्चों के लिए, और फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको गार्लिक ब्रेड की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए मिलेंगे फिर एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।